आज की जो मेरी ये वीडियो है वो है प्रेस ऑन्स को कैसे हम निकाल सकते हैं जो हमने एड्रेसिव टेप से लगाए हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए गर्म पानी, और बेटर है आप अगर गर्म पानी से आपने नहा लिया हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि उससे भी बहुत लूज़ हो जाते हैं। तो जब ये देख सकते हो ये लूज़ हो रहे हैं थोड़े थोड़े, मैंने नहा के आई हूँ, यानी कि मेरे गर्म पानी में मेरे हाथ थे तो ये लूज़ हो चुके हैं। और इसको हम ऐसे ही ट्राई करेंगे पहले रिमूव करने की, एंड अगर थोड़ा बहुत रहेगा वो हम वापस पानी में डिप करके निकालेंगे। और इस जो ये है ना ग्लू, इसको हम पानी में छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद में, एड्रेसिव टेप का जो ग्लू है वो भी कम हो जाएगा, स्टिकीनेस तो वो भी निकल जाएंगे, और प्रेसन्स को आप वापस रख सकते हो नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। ये आराम से 4 to 5 times यूज़ हो जाते हैं प्रेसन्स। सो ये हमने एड्रेसिव टेप से लगाई थी तो ये अराउंड 4 to 5 days रह जाती है। मेरा आज 5th day है और मैं ये निकाल रही हूँ। एंड बाकी डिपेंड करता है कि आपने नेल्स लगाने के बाद में क्या आपने उसको कैसे रखा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और बाकी तो अगर आप घर के काम करे जा रहे हो तो ये शायद 2 से 3 दिन भी नहीं रहेंगे, अगर आप नहीं करते हो तो ये 4-5 दिन आराम से रह जाते हैं। एंड अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ग्लू से भी स्टिक कर सकते हो। तो आप ग्लू से कैसे स्टिक कर सकते हो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। और सबसे कम डैमेज होते हैं नेल्स जब आपने इसको एड्रेसिव टेप से लगा रखे हो। और सेकंड है, आप अगर ग्लू यूज़ कर रहे हो तो थोड़े कभी कभार डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सो ये देखिए, अब मेरे जो नेल्स पे रह गए हैं ना थोड़े थोड़े, उसको भी मैं क्या करूँगी, पानी में हाथ मैंने थोड़ी देर डिप करके रखा तो ये देखिए ईजिली ये जो है वो निकल जाएंगे, जो एड्रेसिव टेप चिपकी हुई है ना वो निकल जाएंगी। और मैं ऑन द स्पॉट अगर मुझे कोई नेक्स्ट नेल्स लगाने हैं तो मैं जिन्हें जैसे लास्ट प्रोसेस किया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि मैंने प्रेस ऑन्स कैसे लगाए हैं, सेम वही प्रोसेस करके मैं नेक्स्ट नेल्स लगा सकती हूँ। इससे मेरे नेल्स बिल्कुल डैमेज भी नहीं होंगे एंड थोड़े बहुत ग्रो भी हो जाएंगे, बिकॉज नेल्स ऊपर है तो ये जो नेचुरल नेल्स हैं मेरे उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता नहीं है, तो ये ब्रेक भी नहीं होते जल्दी से। सो ये एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, पानी में डिप कर करके आप निकाल सकते हो। एंड सेम प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, अगर आपने ग्लू से भी स्टिक कर रखे हो तो प्रोसेस सेम है, आपको गर्म पानी में रखना होता है हाथ को तो वो निकल जाते हैं आराम से, थोड़ी देर ज़्यादा रखना पड़ता है और निकल जाते हैं। देखिए अब मैंने जो मेरे प्रेस ऑन्स थे उनको भी मैंने क्लीन कर लिया है, क्लीन करके इसके अंदर जो भी ये एड्रेसिव टेप लगी थी उनको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये ध्यान रखना है कि आपके प्रेस ऑन्स ज़्यादा बेंड वगैरह ना हो ताकि वो ख़राब ना हो। ये देखो मेरे सारे प्रेस ऑन्स जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं, कुछ इनको नुकसान नहीं हुआ है। एंड इनको मैं वापस से स्टोर कर लूँगी बॉक्स में तो ये नेक्स्ट टाइम मैं इनको वापस से यूज़ कर सकती हूँ। जो ये 5 मेरी साइज़ है और 24 आते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी मैं आराम से यूज़ कर सकती हूँ। और इसके वजह से मेरे जो नेचुरल नेल्स है वो भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुए और थोड़े थोड़े ग्रो ही हुए हैं 4-5 दिन में, देख सकते हो। मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।